हाय गाइस, अब मैं दिस साइड फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ उदयपुर। आज मैं आया हूँ निमज माता टेम्पल। इफ एनी आओ बारे में नहीं सुना है, अगर आपको इस प्लेस के बारे में नहीं पता है, इस व्लॉग में आपको सभी चीज़ें पता पड़ जाएगी। फतेह सागर लेक जो है इस साइड है, फतेहपुरा इस साइड है। तो अगर आप इस साइड से आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पार्किंग, फोर व्हीलर टू व्हीलर जो भी हो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। बात करें आगे जाने की तो ये रहा रास्ता निमज माता टेम्पल के लिए। तो नीमज माता का जो मेन गेट है वो ये रहा, तो साथ में चलते हैं और साथ में दर्शन करते हैं। चलो तो नीमज माता मंदिर के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है रैंप वाला, एक जाता है सीढ़ी वाला। सीढ़ी वाला जो है आधा रास्ता ऐसा बना हुआ है, बाकी रैंप ही है, आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो नीमज माता इज अराउंड 850 मीटर, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको छोटे छोटे जगह पे मिल जाएंगे कि मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी रह गया है, तो आप उस हिसाब से आ सकते हो। तो नीमज माता टेम्पल जो है जाना जाता है सनराइज और सनसेट व्यू के लिए। तो इट्स अराउंड 6:10, तो सनराइज होने वाला है, तो देखते हैं कैप्चर कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो वक्त ही बताएगा। तो अभी तो आधे ऊपर ही आए हैं और व्यू आप देख सकते हो, लेक व्यू फतेह सागर का कैसा आता है यहाँ से। इनकेस अगर आप बीच में स्विच करना चाहते हो स्टेयर्स और रैंप के बीच में, तो आप कभी भी स्विच कर सकते हो, ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या प्रेफर करते हो। पर हम थोड़ा एडवेंचरस वे लेना चाहते हैं तो हम यहीं से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे जंगल वाली फील आ रही है। 850 मीटर्स में से अब सिर्फ 350 मीटर्स बचा है, तो हमने 500 मीटर्स का रास्ता कवर कर लिया। सांस फूल रही है, मास्क थोड़ा सा साइड में रख के, बैग में मतलब साइड में नहीं, और स्टेज वाला जो रास्ता था वो हो चुका है ख़त्म। अब हम जाएंगे रैंप वाले रास्ते से, तो चलते हैं। तो ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, अभी तो 250 मीटर्स और जाना है, बट फिर भी व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और आज तो क्लाउड्स भी है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बस थोड़ा सा ही रह गया, देख सकते हो ऊपर वो रहा मंदिर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अब शूज उतारते हैं, रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वापस सांस फूल चुकी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ से चालू होता है निमज माता मंदिर की जो मेन सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर जाते हैं। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो बेल्ट्स हैं इन पे भी कपड़ा बांध रखा है, ताकि कोई टच नहीं करे और मतलब इन्फेक्शन फैले नहीं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो कोविड की वजह से अभी मंदिर तो क्लोज है, पर आप माता जी के दर्शन कर सकते हो। ये रहे माता जी, तो आप सभी दर्शन कर सकते हैं, जय माता दी। और बाकी अगर व्यू की बात करें तो मंदिर के साइड से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, इस साइड से ये पूरी लेक का व्यू आता है जो कि फतेह सागर लेक है। और इस साइड की बात करें तो इधर टाइगर हिल्स और पूरे पहाड़ और पूरी सिटी दिखती है। तो कोविड की वजह से मंदिर तो खुला है, आप आ सकते हो दर्शन कर सकते हो, बस इसके अंदर नहीं जा सकते हो, जो कि ठीक भी है और नहीं भी है, क्योंकि तो माता जी के दर्शन एकदम फेस टू फेस पास में जाके करते हैं, उसका मजा ही अलग होता है। बट कोई बात नहीं, सेफ्टी फर्स्ट है। अगर आप ऊपर आते हैं तो थक जाते हो, अगर पानी पीने की इच्छा होती है तो आप यहाँ से पी सकते हो, एकदम फ्रेश वाटर है, पानी बहुत ही अच्छा है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, मतलब एकदम से ऊपर आते हो और प्यास लगती है तो पी सकते हो। किसी ने मास्क नहीं पहन रखा है, मैंने ही पहन रखा है, आप भी पहन के आइएगा, सैनिटाइजर साथ में लेके आइएगा, वैसे ऊपर भी मिल जाएगा आपको, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ। और अब मैं ऐसी लोकेशन बताने जा रहा हूँ जो कि मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है, तो वहाँ पे भीड़ भी कम होगी, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है, कचरा बिल्कुल भी मत करना, सफाई तो अपन रख ही सकते हैं ना। तो चलते हैं देखते हैं, आओ बताता हूँ, इधर से आते हो राइट लेना है, इधर से आते हो तो लेफ्ट लेना। तो देख रहे हो, जगह देख रहे हो, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो लाइक कर दो, और यहाँ से सनराइज एक नंबर। तो भाई साहब कैसी लगी जगह, कमेंट सेक्शन में बता दो,
और मेरे पीछे देखो आप इस साइड में, इस साइड तो सिटी है, इस साइड में देखो नीमच माता का टेम्पल दिखता है ऊपर, तो मतलब व्यू जो यहाँ से आ रहा है ना एक नंबर, मतलब मंदिर भी दिख रहा है इधर, व्यू भी दिख रहा है। चल रही ठंडी ठंडी और मास्क भी उतार ही देते हैं, कोई है नहीं पास में, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और आज तो क्लाउड्स भी है तो मतलब पूरा व्यवस्थित माहौल है, देख सकते हो आप इधर ये सिटी का व्यू। और इस साइड में मिलेगा आपको लेक का व्यू, जो कि थोड़े से भी पेड़ है तो कम दिखेगा, हवा जो चल रही है ना उसके लिए तो क्या ही बोले, मतलब जो एक फीलिंग आती है ना अल्टीमेट। जगह कुछ ऐसी है, यह इस जगह पे आके बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप इस प्लेस पे आना चाहते हो तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आते हो तो बस कचरा मत करना बिल्कुल भी, मतलब साफ़ सफाई रखना, मेंटेन करना। सबसे मेन चीज़ यही है कि ये जगह साफ है, क्लीन है, तो हम भी चाहेंगे कि आगे आप लोगों के लिए भी साफ़ रहे और हमारे लिए भी साफ़ रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।